जैसे ही आदेश मिला कि आपको अपनी कविता पढ़ना है, तो मैंने जैकेट उतार दिया कि कम से कम कुछ तो आपको ओरिजिनलिटी महसूस हो, क्योंकि जैकेट मेरी नहीं थी। तो आप क्या बात है, आप इस चीज के लिए निश्चित हैं, जो भी हूँ वस्तुतः वो मेरा ही, जो दूसरे का था वो उतार चुका हूँ, इसलिए आप आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। क्या बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाई सर ने, ऐसा नहीं कि लंबी चौड़ी भूमिका का हकदार मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि सृष्टि सृजन में इस पूरी कायनात में अस्तित्व दो आयामों से हो नहीं सकती, लंबाई चौड़ाई से, जब तक कि उसके तीसरा आयाम गहराई या ऊंचाई न छोड़े। तो जब कोई रचनाकार रचना लिखता है, मतलब अपनी ही रचना लिखता है, तो निश्चित रूप से दिखाई देती है कि वो लंबाई और चौड़ाई में अक्षरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन जब तक उसमें भावों की गहराई नहीं आती है, तब तक पूर्णता नहीं होती है। और तीसरे आयाम के लिए मैं आप लोगों को कुछ रचनाएं समर्पित करता हूँ, ताकि आप देखें कि वो कुछ ऊंचाई में या कुछ गहराई उसमें है या नहीं है। अचानक ही बुलावा आया गंगा भैया का, उन्होंने बताया कि आप लिखते हैं, ये बात सही तो है, लेकिन मैं अच्छा लिखता हूँ ये बात ज्यादा सही है। क्या बात, फर्क तो पड़ जाता है, फर्क से ही शुरू करते हैं। जिंदा तो वो भी हैं जिन्हें जीने की तमन्ना नहीं है, जिंदा तो वो भी हैं जिन्हें जीने की तमन्ना नहीं है, और जिंदा तो वो भी है जिन्हें जीने की तमन्ना है। वाह क्या बात है, क्या बात है। जिंदा तो वो भी है जिन्हें जीने की तमन्ना नहीं है, और जिंदा तो वो भी है जिन्हें जीने की तमन्ना है, मगर फर्क सिर्फ सोच और एहसास का है, मगर फर्क सिर्फ जीने के अंदाज का है। जिंदा तो वो भी है जिन्हें जीने की तमन्ना नहीं है, और जिंदा तो वो भी है जिन्हें जीने की तमन्ना है, मगर फर्क सिर्फ सोच और एहसास का है, मगर फर्क सिर्फ जीने के अंदाज का है। उस मोहब्बत में उस दर्द में वक्त गुजार दिया करते हैं, और यूं ही अपनी जिंदगी का कर्ज मौत से उतार दिया करते हैं। बहुत धन्यवाद। कुछ एक नई गजल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अभी बातों में भी नरेश भैया ने बहुत सी चीजें बोली थी, उस पे ही मैं कुछ बात कर लूं। जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं, कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी आगे वाली बातें सोचेंगे। पुराने कल से करता हूं नहीं मैं आज की बातें, पुराने कल से करता हूं नहीं मैं आज की बातें, पुराने कल से करता हूं नहीं मैं आज की बातें, नहीं अंजाम से करता हूं मैं आज की बातें, नहीं अंजाम से करता मैं आगाज की बातें। अच्छा, आप लोगों से गलती होने से पहले क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि भैया ने बताया कि प्राइमरी शिक्षक और इन सब के बारे में, तो 2004 से मैं भी प्राइमरी शिक्षक रहा, और 2006 में मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में केमिस्ट्री टीचर के रूप में मेरा नियुक्ति हो गया। तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण हो सकता है साहित्य चीजों में कुछ त्रुटि हो जाए, उसका नहीं कहा है, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं चूंकि साहित्य और विज्ञान में थोड़ा सा तालमेल रखना हो सकता है कि कुछ शब्दों की कमी रह गई हो। स्वागत। पुराने कल से करता हूँ नहीं मैं आज की बातें, नहीं अंजाम से करता हूँ मैं आज की बातें, इसे सिर्फ समझोगे सुनोगे चूक जाओगे,
इसे सिर्फ नस्ब समझोगे, सुनोगे भूल जाओगे। इसे सिर्फ नस्ब समझोगे, सुनोगे भूल जाओगे। छुपा रखा है लफ्जों में गहरे राज की बातें। पुराने कल से करता हूँ, जब उसने जान मांगी थी तभी से मर गया हूँ मैं। जब उसने जान मांगी थी तभी से मर गया हूँ मैं। जब उसने जान मांगी थी तभी से मर गया हूँ मैं। कहाँ समझा मगर जालिम, नरम एहसास की बातें। जब उसने जान मांगी थी तभी से मर गया हूँ मैं। कहाँ समझा मगर जालिम, नरम एहसास की बातें। तुम्हारे बस में देखो जो है कातिल वही मुंसिफ। बस कचहरी कातिल दोषी हत्यारा मुंसिफ मतलब जज। तुम्हारे बस में देखो जो है कातिल वही मुंसिफ। तुम्हारे बस में देखो जो है कातिल वही मुंसिफ। जी रह करता तो क्या करता है सब हालात। सब हालात की बातें। पुराने कल से करता हूँ नहीं मैं आज की बातें। छुपा के रखते हैं खंजर जो अपने आस तीनों में। छुपा के रखते हैं खंजर जो अपने आस तीनों में। छुपा के रखते हैं खंजर जो अपने आस तीनों में। संभल के तुम वहां करना जरा जज्बात। छुपा के रखते हैं खंजर जो अपने आस तीनों में। संभल के तुम जरा करना वहां जज्बात की बातें। नहीं अंजाम से अंदिन जहां मुट्ठी में खा लेकिन गया तो हाथ खाली था। जहां मुट्ठी में खा लेकिन गया तो हाथ खाली था। जहां मुट्ठी में था लेकिन गया तो हाथ खाली था। वो ना समझी मैं करता था तक तोड़ता करता था तब तोड़ता आज की बातें। पुराने कल से करता हूँ नहीं मैं।